देश में स्वच्छता का पंच लगाने वाले इंदौर ने एक और बड़ा कदम उठाया है। देवगुराड़ी स्थित ट्रीचिंग ग्राउंड के 15 एकड़ क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है। इसमें नगर निगम का एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ और इसे दिल्ली की कंपनी ने 150 करोड़ रुपए में तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बायो सीएनजी प्लांट में 550 टन वेस्ट से 19,000 किलोग्राम बायो सीएनजी तैयार होगी। यह सीएनजी फल, सब्जी, खराब खाना, हरी पत्ती और फूलों के वेस्ट में तैयार होगी। इससे शहर में 400 सिटी बसों को चलाया जाएगा और पहले चरण में 55 सीएनजी बसें इसी महीने से चलने लगेगी। डीजल के चलने वाली बसों में बदलाव कर उनके इंजन को सीएनजी से चलने लायक बनाया जाएगा। इस प्लॉट के बाद नगर निगम का गीले कचरे के निपटान पर होने वाला खर्च बचेगा और हर साल मशीनरी, कर्मचारियों, केमिकल रखरखाव सहित अन्य मामलों पर होने वाला खर्च भी बचेगा। इन पर सालाना करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और देश भर में अब वेस्ट टू वेल्थ आधारित कचरा निपटान पद्धति पर काम किया जा रहा है, जिसमें इंदौर सबसे आगे है और बायो सीएनजी प्लांट की लगाने वाली कंपनी नगर निगम को 20 साल तक 2.52 करोड़ रुपए प्रीमियम हर साल देगी।